Namaste. Welcome to our Sri Om Screenprinting YouTube channel. Saree printing course में हम देख रहे हैं एक फ्रेम में टू कलर्स के साथ डिज़ाइन को किस तरह प्रिंट किया जाता है. तो लास्ट वीडियो में आपने देखा ए बटरफ्लाई, इसको हमने एक फ्रेम में दो कलर डाल के स्क्वीज किया, एक साथ ही दो कलर्स आ गए. तो आज दूसरा टेक्निक हम सीखेंगे इस फ्रेम के साथ. ये फ्रेम जो आप देख रहे हैं ये मल्टी डिज़ाइन वाला फ्रेम है. तो इसको मैंने पूरी तरह टेप लगा दी. अब हम इस डिज़ाइन को करने जा रहे हैं. तो इसके बाजू में जो भी डिज़ाइंस हैं हम उसको इस तरह टेप लगाना चाहिए, दोनों तरफ लगाना चाहिए, अंदर और बाहर भी लगाना चाहिए. जब हम साड़ी करते हैं तो दोनों तरफ टेप लगाना चाहिए. देखिए इस तरह का ट्रांसपेरेंट टेप हो तो अच्छा है, हमको डिज़ाइन साफ से दिखेगा. तो मैंने बाजू का इस डिज़ाइन को और नीचे वाला ये डिज़ाइंस को टेप लगा दिया. और इस डिज़ाइन में भी आप देख रहे हैं ये पत्ते छोड़कर मैंने ये फूलों को टेप लगाया. तो हम क्या करेंगे, पहले इस लीफ स्टेम को स्क्वीज करेंगे, प्रिंट करेंगे, बाद में इस टेप को निकाल के ये जो स्टेम है उसको टेप लगाएंगे, बाद में फ्लावर्स को प्रिंट करेंगे. जब आप साड़ी करने जा रहे हैं तो पहले इस तरह आप टेप्स लगा दीजिए और पूरा साड़ी को ये ब्रांच का प्रिंटिंग करते जाइए. जब ये ब्रांच ड्राई हो जाता है बाद में यहाँ का टेप आप निकाल के इस ब्रांच को टेप लगा के फिर फ्लावर्स को प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है, तो आप देखते हैं हम इस ब्रांच को प्रिंट करके. मैं यहाँ ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ. यहाँ टेप है इसलिए हम यहाँ भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप दोनों तरफ टेप लगाइए. देखिए फ्रेम को ठीक से पकड़िएगा और बस हो गया, ब्रांच आ गया है. अब देखिए इस स्टेम का डिज़ाइन ग्रीन में आ गया है. अब मैं इस टेप को निकाल दूंगी और फ्लावर्स को प्रिंट करके आपको दिखा दूंगी. अब देखिए मैंने फ्लावर्स के ऊपर जो टेप था उसको निकाल दिया और इस स्टेम को टेप लगाया. आपको दिख रहा है ना, इस स्टेम का पार्ट को मैंने टेप लगाया. अब हम इसके ऊपर रखेंगे और देखना है हमको. मुझे तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है. क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट टेप लगाएंगे तो हमको अंदर का डिज़ाइन साफ नज़र आएगा. तो मैंने सेट कर दिया फ्रेम को. अब इस फ्लावर्स को येलो के साथ स्क्वीज करने जा रही हूँ. थोड़ा अप्लाई कर दीजिए और सीधा ले आइए. और एक बार हो गया. अब देखते हैं देखिए कितना सुंदर आ गया है. एक डिज़ाइन को दो कलर्स में हमने कर लिया. इस तरह कई डिज़ाइन को बहुत सुंदर तरीके से हम बना सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे और एक तरीका, तीसरा टेक्निक, एक डिज़ाइन को टू कलर्स में कैसे ला सकते हैं. तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को. आगे वीडियोस में मैं आपको साड़ी भी प्रिंट करके दिखाऊंगी, कई साड़ी पर कैसे किस तरह प्रिंट करते हैं वो भी दिखा दूँगी. कई तरह के बिजनेस आइडियाज़ आपको बताऊँगी और ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ भी प्रिंटिंग करना आपको मैं सिखा दूंगी. तो कीप वॉचिंग आवर चैनल. मैं ज़्यादा तक ऐसे डिज़ाइंस बनाऊंगी फ्रेम्स में कि एक फ्रेम में हमको सिर्फ
टेप लगा के प्रिंट करने से 2-3 कलर्स आएंगे। इससे क्या फ़ायदा है कि हमको खर्चा कम पड़ेगा और हम कई तरह के इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।